हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल, जहां इस वीडियो के अंदर हम शोडाउन करने वाले हैं बिटवीन वांडा मैक्सिमोफ और थोर के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े कैरेक्टर हैं मार्वल स्टूडियो के, और दोनों आपस में टकराएंगे तो ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होगा। जहां मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात थी कि इन दोनों में अगर भिड़ंत होगी तो जीतेगा कौन, जिस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा है और फाइनली मैं एक पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ कि कौन जीतेगा इनमें से, और उसे जानने के लिए बस वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अब देखो, दोनों ये जो कैरेक्टर है एमसीक्यू स्टोरी लाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट से गुजरे हुए हैं, और एक बात कहूँ तो ट्रॉमा से भी गुजरे हुए हैं। जहाँ एमसीयू के फेस 3 के एंड आते आते इनकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहीं पे फेस 4 के अंदर वांडा तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इसलिए देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा कि अगर इन दोनों की भिड़ंत होगी तो कौन जीतेगा। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चढ़ते हैं इस शोडाउन की तरफ और देखते हैं आखिर किसने बाजी मारी है इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका लिटविच की, जहाँ हम ये देखेंगे उसकी पावर का ओरिजिन क्या है। तो देखो, उसकी पावर का ओरिजिन ये जो पल्ट्रॉन में हमें यही बताया गया कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट करे गए थे, जिसके बाद उसे ये पूरी की पूरी पावर मिली थी। लेकिन जब वांडा विजन शो आया उसके अंदर हमें यही बताया गया है कैसे कि पूरी वांडा विजन पहले से एक सुपर नेचुरल बींग थी, जहाँ पर माइंड स्टोन ने उसकी पावर्स को एनहेंस करने का काम करा, जिसकी वजह से वो कहलाई स्कारलेट विच, और स्कारलेट की विच की पूरी की पूरी फॉर्म में आके वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है ये हमने उसके खुद के शो में देखा है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से रियलिटी को भी बदल लेती है और अपने आसपास के लोगों के साथ भी पूरी तरीके से रियलिटी बदल के उनके माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसा कि हमने पूरी तरीके से वांडा विजन में देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इस कैरेक्टर को बना देता है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने भी कुछ पावरफुल मूवमेंट देखने को मिले इस पूरे के पूरे कैरेक्टर के, जहाँ इल्यूमिनाटी कॉमिक्स की इतनी बड़ी टीम जिसे इनने पूरी तरीके से धूल में मिला दिया और एक कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गंदी मौत दी। और आप स्कारलेट विच की पावर्स का अंदाजा इसी चीज़ से लगा सकते हो, जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वोंग उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ की दीवारों पर पूरी तरीके से डार्क होल लगी हुई थी, तो वहाँ पे इसे पता लगा ये पूरा का पूरा सिंहासन उसी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे स्कारलेट विच को ही पूरी तरीके से डेडिकेट करा गई थी ये पूरी की पूरी डार्क होल, जो कि बाद में उन्होंने तोड़ दिया। और साथ में आपको ये भी पता है इसके पावरफुल मूवमेंट्स भी हमें काफ़ी सारे देखने को मिले हैं एमसीयू के अंदर ही, जहाँ पे थैनोस को एक तरीके से रोकना काफ़ी टाइम के लिए, वहीं पे थैनोस की बैंड बजा देना एवेंजर एंड गेम के फाइनल बैटल के अंदर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और तब तो यार पूरी तरीके से क्योस मैजिक का भी यूज़ नहीं कर रही थी, और क्योस मैजिक का यूज़ करके क्या क्या इनने करा है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हम देख ही सकते हैं। तो हाँ यार, ये थी वो सारी के सारे पावरफुल मूवमेंट्स और एक ओरिजिन स्टोरी जो कि वांडा मैक्सिमोफ को कितना ज़्यादा पावरफुल दिखाती है, जो कि वो असलियत में भी है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। तो इसी के साथ चलो मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी थोर के ऊपर। तो भाई थोर के बारे में हम सब जानते हैं, जहाँ कि वो पूरी तरीके से ओडिनसन है और बचपन से इन सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ है, जो कि उसे पूरी तरीके से एमसीयू के अंदर एक गॉड बना के रख देती हैं। और वहीं पे उसकी मेन पावर्स हमें दिखना शुरू हुई थोर रैग्नारोक से, जो कि ज्यादातर फैंस इससे एग्री करेंगे, जहाँ थोर रैग्नारोक के अंदर हमें दिखाया गया कैसे उसका म्योनीर पूरी तरीके से तोड़ दिया उसकी बहन हेला ने, वहीं पर उसके सपने में जब ओडिन आया तो उसे यही बताता है कैसे तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो और आगे जाके तुम्हें पता लगेगा, जो कि यही चीज होती है कॉमिक्स के अंदर, जहाँ थोर का ओल्डर वर्जन ही सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है पूरे एमसीयू के अंदर थोर का। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे थोर पूरी तरीके से एवेंजर एंड गेम की तरफ बढ़ रहा था उसकी जर्नी और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही थी, जिस जर्नी के अंदर हमने यही देखा कैसे वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर खुद बनाता है एक तारे की हीट को अपने पूरे के पूरे शरीर में लेके, जो कि एक काफी बड़ा एक पूरी तरीके से ड्यूरेबिलिटी दिखाता है थोर की कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितनी ज्यादा चीजों को सह सकता है। जहाँ स्टॉर्म ब्रेकर तो बन गया जिसने उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया, और स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स का हमें पता ही है कैसे वो पूरी तरीके से बायफ्रोस्ट को ओपन कर सकता है, जो कि पूरी तरीके से उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और थोर का जो पूरा का पूरा स्टॉर्म ब्रेकर है वो म्योनिर से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये भी हम पूरी तरीके से जानते हैं। साथ ही में जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस का कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था, तो ये पूरा का पूरा चमत्कार हमारे थोर ने करके दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से अपना स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ दिया था थैनोस के सीने के अंदर, जहाँ पर उन्होंने पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टोन की पावर यूज़ करी थी, लेकिन तब भी पूरी तरीके से थैनोस कुछ नहीं कर पाया अपने डिफेंड में, और पूरी तरीके से एक स्टॉर्म ब्रेकर उसके सीने में गाड़ दिया हमारे थोर के ने, जो कि उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, जहाँ एवेंजर एंड गेम में हम उसे कम पावरफुल दिखाया गया थैनोस से, जहाँ पे बहाना उन्होंने बता दिया है कि उसका बॉडी फैट था। तो यार दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी जर्नी हमारे थोर की इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो कि हमें यही दिखाती है वो कितना ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और फ्यूचर में भी कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जहाँ गोल्ड लेवल्स की चीज़ें हमें थोर लव एंड थंडर के अंदर तो दिखाई जाए
जाएगी, जहाँ पर हमें और भी चीज़ें पता लगेगी थोर के बारे में कि और वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो सीधा अब करते हैं अपने शोडाउन के ऊपर। तो देखो, मैंने वांडा मैक्सिमोफ की पूरी तरीके से पावर आपको बताई और थोर की भी बताई, जहाँ ये दोनों के दोनों कैरेक्टर ही देखो एमसीयू के एंड गेम के इवेंट्स से आते आते काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और वांडा तो देखो फेस वाइप के में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाई जा रही है, तो आप सोच ही सकते हो दोनों ही कैरेक्टर कितने ज़्यादा हैवी हैं और कितने ज़्यादा टक्कर देंगे आपस में अगर कभी इनकी आपस में फ़ाइट हुई। जहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुँचना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, वहीं पर यार पूरी तरीके से मेरा ये डिसीज़न मैंने लिया है कि यार मेरे लिए तो ये पूरे का पूरा ही पूरी बैटल ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि यार ये कैरेक्टर्स ही दोनों के दोनों ऐसे हैं जहाँ मैं भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन अगर आज पहुँच पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना वांडा या थोर आप किसको जिताना चाहते हो और आपको लगता है कि वो जीतने के पूरे के पूरे काबिल है। तो यार ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं लाते रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। और तब तक मैं मिलता हूँ ऐसी किसी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देयर बाय।